रोजी कमानी बहुत मुश्किल हो, मुश्किल होगी। सारा दिन गर्मी में गलियों में परेशानी, धूप से हाल देखो हमारा। गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी। आप मजदूरी करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? हालात भैया नहीं ठीक हैं, इस मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो हमारे कैसे ठीक होने हैं? ये सामान महंगा हुआ, इस वजह से बिक नहीं रहा, इस वजह से बिक नहीं रहा। काम पर बहुत असर पड़ा हुआ है, काम चल नहीं रहे हैं, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। आपके सामने हैं, आपको भी सारा पता ही है। उनको कैसे दिखाएं, उनको कैसे दिखाएं, उन तक हमारी आवाज अगर पहुंच दिया तो एक बोरी सीमेंट खरीदी है, 5 फीट बजरी खरीदी है और 10 फुट रेत लिया है, 3150 रुपए हमने पे 1450 की आपको बोरी मिली है, 600 रुपए ईंट मिली है, 5 फीट बजरी जो है 700 रुपए की 140 रुपए फीट मिली है बजरी, ये रेत मिली है 10 फुट रेत है 600 रुपए 60 रुपए फीट मिली है, 3150 रुपए पे किए हैं। कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई है, बुरे हालात हैं। ये बेचारा गरीब आदमी है, इसने सुबह रक्षा गरीब आदमी के लिए बहुत 500 रुपए का इसने पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के इसने जब काम पे आना है, इसने थोड़ी सी अनलोडिंग कर ली है, हमारे जो वार्डन भाई हैं उन्होंने 200 रुपए का चलान करना है, इसने अपने बच्चों का रिजक कमाने के लिए सबसे पहले 1000 रुपया इन्वेस्ट करना है, फिर इसने 500-700 रुपये घर ले कर जाना है। ये हालात हो, चाय भी पीनी, खाना भी खाना है। दोपहर की बंद की है ठोकर ने आज भी, सुबह हमारी गाड़ी का बंद की है। आपको बता नहीं सकते कितनी मुश्किल छुड़ा के ले गए हैं गाड़ी, वहाँ पे उनको बिठाया है, वहाँ पे उनको चाय पिलाई है, उनको 200 रुपये पैसे दिए है, उनकी मिन्नत मसाजी की है, फिर गाड़ी छुड़ा के लेके आए हैं। बाबा जी क्या ये लाइसेंस नहीं है आपका, इसका रूट नहीं है, जिसका परमिट नहीं है, इसका इसको नंबर नहीं लगता, इसको नंबर नहीं लगता, कैसे लगवाएं? लोडर के नंबर, वो तो फैसला हो गया कि रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगी, अब हो जाएंगी ना, तब तक तो हमें मिलना चाहिए ना मौका, लाइसेंस तो होना चाहिए। भाई जान ये देखें, ये मेरा आईडी कार्ड है, ठीक है, ये लाइसेंस है, इससे ऊपर फिर क्या दिखाएं? लेकिन बात यह है कि रिश्वत लगी हुई है उनके मुंह को, उन्होंने लेनी लेनी है, तंग उन्होंने हमें करना ही करना है और किया है। एक घंटा पूरा दिल हुए हैं वहाँ पे सुबह, एक घंटा और काम है नहीं, और काम है नहीं, क्या करें उनके साथ हम? अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँच दिया तो पहुँचाएँ, वज़ीर आला साहब तक पहुँचती है उनको पहुँचाएँ, वज़ीर आज़म तक पहुँचती है उनको पहुँचाएँ, बताएँ हमारे हालात के बारे में उनको, वो नहीं देख रहे यहाँ पर आके। कितने बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, लाहौर के ही हो जी, बिजली का पाक पतन का रहायश है, लेकिन यहाँ पे रहायश लाहौर में रखी हुई है। तो क्या खर्चे क्या है, बिल कितने आ रहे हैं? बिल 20,000 आया हमें, 20,000 दो मीटर लगवाए हुए हैं और 5 यूनिट ऊपर हुए हैं, उन्होंने 10,000 बिल कर दिया है, 10 1 मीटर का आया, 9.5 मीटर का आया है, इसीलिए लगवाए हुए हैं। 2 मीटर के खर्चा कम हो, यूनिट कम हो, बिल कम आए, लेकिन 5 यूनिट बढ़ने के बाद हमें बिल 6-7 हज़ार रुपये बढ़ गया हमारा। पिछले माह जो हमें 200 यूनिट कम थे ना, तो 3-3.5 हज़ार बिल आया ना, वो 5 यूनिट बढ़ने के बाद हमें वो 10,000 बिल हो गया हमारा। इतना फ़र्क है, देखे 5 यूनिट का हमें 6-7 हज़ार बिल पड़ रहा है। तो स्लैब चेंज हो जाती है, कहाँ से लेके आए उसको? नहीं कुछ कर सकते, नहीं है, नहीं है।